सुनो सेनापति, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? जी हाँ, द्वारकाधीश का महल यही है। बताइए, आपको क्या काम है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। ओह, तो आपको दान दक्षिणा चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। लेकिन आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? देखो भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? क्या आप एक ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है ब्राह्मण देवता, आप समझते क्यों नहीं हैं? भाई, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि श्री कृष्ण को यह संदेश पहुंचा दो कि सुदामा उनसे मिलना चाहता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ इतना सा संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपका संदेश पहुंचा के आता हूं। पागल। सुदामा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतनी देर हो गई संदेश को पहुंचे, अगर तुझे बुलाना होता तो बुला लिया होता कब का। अरे, तुझे तेरे अपमान की तो चिंता नहीं, तुम कृष्ण का अपमान तो मत करो। लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि तुझ जैसा दरिद्र कृष्ण का मित्र हो सकता है? लौट चलो सुदामा, लौट चलो। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो सुदामा, लौट चलो। द्वारकाधीश की जय हो। बोलो सेनापति। आपके लिए संदेश लेके आया हूँ महाराज। द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। राजमहल में प्रवेश करने के लिए ब्राह्मणों को अनुमति की जरूरत कब से होने लगी? प्रभु, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तो कोई आधा पागल सा दिखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई पागल पुरुष है? पहली बात तो ये कि वो परम दरिद्र दिखता है, फटे पुराने कपड़े हैं, वह बाहर किसी राज्य से है। फटे वस्त्र और निर्धन दिखना, ये तो कोई पागलपन की निशानी तो नहीं है?
वो इसलिए कि उसकी बातें पागलों जैसी हैं। महाराज, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। क्या मित्र? क्या नाम बताया उसने अपना? महाराज, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो सुदामा? लौट चलो। सुदामा, आया मेरे यार सुदामा, बता आज क्यों कर पेटने।
भरी आर की जट छाती।